कि अब बचपन से हमारा ही चूतिया काटा जा रहा है कि सूर्य ग्रहण में निकलो, नज़रों से देख लो अगर सूरज को तो अंधे हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी अभी पापा बाहर गए थे मेरे लिए बर्नौल लेने के लिए। बर्नौल तो लेके नहीं आए, लेकिन एक बर्न की बहुत बड़ी खबर लेके आए हैं कि हमारी सोसाइटी में जो कपड़ों की दुकान थी बाहर, वो कल रात को राख हो गई। पता नहीं कैसे, बट कल रात को 12 बजे के आसपास उस दुकान में आग लगी। रिसेंटली ओपन हुई थी, मेरे पास उस दुकान का कूपन भी था और कह रहे हैं लाखों का माल था, पूरा जलकर राख हो गया। अब बंद दुकान के अंदर तो पटाखा पहुंच नहीं सकता, तो हो सकता है किसी की शैतानी खुराफाती भी हो। जाकर देखते हैं और पता लगाते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या है, कहीं ये फेक न्यूज़ तो नहीं है जो पापा फैला रहे हैं। तो फ्रेंड्स, जैसे ही पापा ने बताया कि वहाँ पर आग लग गई है, दुख तो बहुत हुआ, लेकिन मेरे अंदर का व्लॉगर जाग गया और मैंने सोचा पहले देख कर आते हैं। बड़ा हरामी हो बेटा। और पता करते हैं क्या हुआ एग्जैक्टली, और आप लोगों को भी दिखाते हैं कि लापरवाही से कितना कितना नुकसान हो सकता है। हमने एक मैदान है ना, हम लोग वहाँ पर पटाखे फोड़ रहे थे, बट वो तो मिट्टी है तो ऊंचा नीचा था, तो हमें लगा, हमने करा चक्री, वहाँ घूम नहीं रही थी ढंग से, तो हम चक्री घुमाने के लिए सारे पटाखे फोड़ लिए, फिर लास्ट में चक्री फोड़ने के लिए हम लोग इधर आए कि यहाँ प्लेन सरफेस है, यहाँ चक्री फोड़ते हैं। और चक्री, एक चक्री जल रही थी, मैं दूसरी फुल जल्दी से स्टार्ट कर रहा था और वो एकदम से ब्लास्ट कर गई। ओ भाई साहब, पूरा सामान जलकर राख हो गया। आंटी कौन सी दुकान थी ये? बात आप ही की दुकान है? नहीं, हम काम करते हैं। अच्छा, आप काम करते हैं 901? अच्छा, यहीं रहते थे? 11 नंबर है। ओ भाई साहब, ओ भाई साहब, ओ माय गॉड। कैसे लगी, कुछ आइडिया है? हाँ, पटाखे वटाखे तो नहीं आ सकता बंद दुकान के अंदर। वही तो, हाँ, ये किसी शॉर्ट सर्किट वगैरह हुआ होगा। शॉर्ट सर्किट से लगता है कि उसमें सामान भी रखा है। अच्छा, इधर भी रखा है सामान, ये खाने वाले में। अच्छा, अच्छा, ये अच्छी बात है कि इस दुकान में जला तो बाकी दुकानों में असर नहीं दिखा। हाँ, वरना तो पूरे लाइन जल सकती थी। हाँ, दवाई में तो केमिकल हर तरह का होता है। ये देखिए, ये जल गया, तो जला हुआ सामान निकाल कर यहाँ पर रख दिया गया है। ये पोस्ट ऑफिस खुलने वाला है यहाँ पे, अभी फिलहाल तो ये बंद है, तो वो जो सामान शायद थोड़ा आधा जला या बचा कुचा है, वो सामान इन्होंने यहाँ पर रख दिया है। फ्रेंड्स, आप तो सिर्फ जला हुआ सामान, जले हुए कपड़े वगैरह देख रहे हो, जो बर्बादी हुई वो देख रहे हो, लेकिन बहुत भयंकर बदबू भी आ रही है। शायद प्लास्टिक मटेरियल, पैकेजिंग मटेरियल वगैरह जलने की वजह से प्लास्टिक की बहुत ज़्यादा टॉक्सिक स्मेल है। कल किस टाइम हुआ एग्जैक्टली, कुछ आइडिया है? 11 बजे की सर हुआ। ये सर मुझे मालूम नहीं। 12 बजे तक तो हम लोग ही यहाँ पर पटाखे फोड़ रहे थे उधर मैदान में, हमें पता ही नहीं चला। आप लोग उधर होंगे? हाँ, तो वही तो, इधर जो बट आग जलती तो कोई तो शोर मचाता है। पर कह रहे हैं जरा जरा सा धुआं दिखाई दे रहा था, बाकी जब दुकान खोली तो भप की एक धुआं तो बात हो रही थी ना। तो इंश्योरेंस तो होगा इसका, बीमा है? हमें नहीं पता सर, इस बात बात तो कर ही रहे होंगे। दुकान पर रहती थी तब। अच्छा, हम थोड़ा हम काम करते थे। अच्छा अच्छा, ठीक है। अभी मेरा काम करते 2 ही महीना हुआ। अच्छा अच्छा, चलिए फ्रेंड्स, अब घर की ओर बढ़ते हैं। 1:30 बज गया है, हमें ग्रहण की तैयारी भी करनी है। A few minutes later. मैं काले चश्मे से आपको दिखा रहा हूँ कि अभी फ़िलहाल सूरज इस तरह है और ये 2:02 का टाइम है। अभी फ़िलहाल आप देख पा रहे हैं कि सूरज किस तरह से है, और फिर मैं आपको ग्रहण पर दिखाऊंगा, ग्रहण के टाइम पर, ग्रहण का इम्पैक्ट सूरज पर, ताकि आप कंपेयर कर सकें। चश्मे से भी दिखाऊंगा और एक्सरे फिल्म से भी दिखाऊंगा, ताकि आप कंपेयर कर सकें कि एग्जैक्टली क्या है, और जितना क्लियर हो सके उतना दिखाने की कोशिश करूँगा। चलिए अब ऊपर चलते हैं और फिर एक्सरे फिल्म को ढूंढते हैं, क्योंकि एक्सरे फिल्म भी ढूंढनी पड़ेगी, उसके बिना काम नहीं होगा। 2 hours later. 4:15 हो चुके हैं, ग्रहण किसी भी वक्त शुरू हो सकता है। गुड़गांव में कह रहे हैं 4:31 पर पहुँचेगा, यहाँ तो सूरज का नामो निशान ही नहीं है। तो मैं सोच रहा हूँ कि अब सोसाइटी से बाहर निकलता हूँ और कोई ऐसा एंगल ढूंढेंगे जहाँ ग्रहण कैप्चर कर सकें। A few minutes later. दोस्तों, बज गए हैं शाम के 5 और मैं आया हूँ घर से बाहर सिर्फ आप लोगों को ग्रहण दिखाने के लिए, क्योंकि ग्रहण देखना रिस्की काम तो हमेशा से था,
लेकिन गुड़गांव की हाई राइज बिल्डिंगों के बीच मेरे लिए ग्रहण देखना बहुत ही मेहनत का काम हो गया है। मेरी सोसाइटी के चारों ओर मैंने चक्कर लगा लिए लेकिन मुझे कहीं भी ग्रहण सूरज नजर ही नहीं आ रहा था, इसलिए मैं अपने घर से 2.5 किलोमीटर दूर आया हूँ, एक जहाँ पर थोड़ा ओपन एरिया है, यहाँ से सूरज बिल्कुल मेरी आंखों के सामने है और मैं काला चश्मा पहना हूँ, साथ में एक नीला चश्मा भी लेके आया हूँ कबीर सिंह वाला, और साथ में एक एक्सरे फिल्म भी लेके आया हूँ, और चारों ही तरह से ओपन फिल्म के साथ, इस चश्मे के साथ और इस चश्मे के साथ मैं आपको ग्रहण दिखाने वाला हूँ। तो बस अब मुझे देखना बंद कीजिए और मैं अपना कैमरे का एंगल चेंज करता हूँ और आपको सूर्य ग्रहण दिखाता हूँ। शाम के बज रहे हैं 5:08 और गुड़गांव का ग्रहण आप लाइव देखने वाले हैं। दोस्तों, साक्षी ने गाड़ी से उतरने से साफ मना किया था लेकिन मेरी गाड़ी के शीशे के आगे दाग है, इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि मैं उतर के भी एक दो एंगल से आपके लिए ले लूँ, बट शायद वो थोड़ा ज़्यादा रिस्की हो जाएगा। मैं जूम करके दिखाता हूँ आप लोगों को, अब एक्सरे फिल्म से दिखाता हूँ, ये दिख रहा है बिल्कुल साफ। तो फ्रेंड्स, मैं गाड़ी से उतर ही गया, सूरज मेरे पीछे है, आप लोग देख पा रहे होंगे। अब मैं आपको दिखाता हूँ एंगल चेंज करके कि एक्चुअल में कैसे लग रहा है, बट मैं खुद की प्रोटेक्शन के लिए एक्सरे फिल्म लगाने की कोशिश करूँगा क्योंकि ये चश्मा बहुत अच्छी क्वालिटी का नहीं है, इसलिए मुझे नहीं लगता ये चश्मा मुझे यूवी रेस से कुछ ज़्यादा बचा पाएगा। ठीक है, तो अब घूमते हैं और आपको ओपन दिखाते हैं। अब गाड़ी से बाहर निकल आया हूँ तो आपको ज़्यादा क्लियर दिखेगा, मुझे उम्मीद है। ये देखिए, विदाउट जूम नॉर्मल मैं देख रहा हूँ, चश्मे के साथ, चश्मे के बिना, चश्मे के साथ, चश्मे के बिना, चश्मे के साथ, चश्मे के बिना, चश्मे के साथ, चश्मे के बिना। दोस्तों, हैरान कर देने वाली बात यह है कि सूर्य ग्रहण में भी लोग ऐसे ही निकल रहे हैं, मैं देख रहा हूँ, देखिए सड़कों पर लोग नॉर्मली चल रहे हैं विदाउट कोई चश्मा, विदाउट एनी प्रोटेक्शन। शायद लोगों का डर निकल गया है या लोग इस चीज़ों में मानते नहीं हैं कि अब बचपन से हमारा ही चूतिया काटा जा रहा है कि सूर्य ग्रहण में निकलो, नज़रों से देख लो अगर सूरज को तो अंधे हो जाते हैं। बट फिलहाल मैं तो इस चीज़ को मानता हूँ, इसीलिए मैं तो पूरी प्रोटेक्शन ले रहा हूँ, चश्मा भी लगाया हुआ है। देखिए, आप तीन तीन दिख रहे हैं, रिफ्लेक्शन है ये या क्या है, बट एक मेन सूरज और उसके साइड में दो दो। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने चश्मे को गाड़ी पे ऐसे टिका दिया है और अब मैं एक, अब मुझे लगता है कि जल्द ही सूरज जो है वो इस पेड़ के पीछे छुपने वाला है, तो पता नहीं मैं बहुत ज़्यादा शॉट ले पाऊँगा नहीं ले पाऊँगा। तो फ्रेंड्स, अभी तो 5:21 हुए हैं, ग्रहण तो अभी आधे घंटे और है और मैं तब तक कैप्चर करना चाहता हूँ इसको जब तक वो बिल्कुल पतली सी लाइन रह जाती है, ताकि परफेक्ट आप लोगों के लिए मैं व्लॉग बना सकूँ सोलार एक्लिप्स का, सूर्य ग्रहण का। तो व्लॉग में हमारे साथ बने रहना और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि बहुत मेहनत लग रही है इस व्लॉग में, मैं घर से दूर आया हूँ छुट्टी के दिन और रिस्क भी है, इतना तो बनता ही है हक मेरा कि चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन की घंटी बजा देना मेरे लिए, और ये व्लॉग पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना। चलिए, दोबारा बातें बहुत हो गई, अब दोबारा सन को कैप्चर करते हैं एक डिफरेंट एंगल से, गाड़ी को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं क्योंकि यहाँ तो पेड़ से छिपने वाला है। फ्रेंड्स देखिए, हम और आगे बढ़ गए और हमने एक डिफरेंट, एक बेटर एंगल ढूंढ निकाला है जिसमें हम गाड़ी में बैठे बैठे सूर्य ग्रहण यानी सोलर इक्लिप्स को बेटर वे में कैप्चर कर पा रहे हैं। अब ये ज़्यादा ऑरेंज होता जा रहा है, मैं अगर नेकेड आई से देखूं तो इट इज़ बिकमिंग ऑरेंज बाय एवरी सेकेंड, क्योंकि अब ये पूरा इम्पैक्ट पर आ रहा है। ये देखिए फ्रेंड्स, पूरा ऑरेंज हो गया है सन, धीरे धीरे छिपता जा रहा है। मैं कह रहा हूँ, आपको पता नहीं है आज सूर्य ग्रहण है? हाँ। तो फिर आप ऐसे ग्रहण में निकले हो, आँखों खराब नहीं हो सकती? हम लोग नहीं जान रहे, आप बताएं तो जानवो की है। देखिए, आप सूरज की तरफ देखिए, अभी ग्रहण है। हाँ, ये तो देखने से आंखें भी खराब हो सकती है, इसीलिए मैं काला चश्मा पहन के बैठा हूँ। हाँ। आप बताए तो देखो की। अच्छा, आपको पता नहीं था? नहीं पता था। नहीं, सूरज की तरफ मत देखिएगा, आप चले जाइए। ठीक है। और ग्रहण में बाहर नहीं निकलते? ठीक है सर। ये देखिए फ्रेंड्स, सूरज ऑलमोस्ट छुप गया है, बिल्कुल नजर नहीं आ रहा है, तो अब बस एक और एंगल लेने की कोशिश करते हैं जहाँ से दिख सके, अदरवाइज घर की ओर बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स, अब तो सूरज पूरी तरह से छुप गया है, 5:35 पर ही दिखना बंद हो गया है,
वैसे कहा गया था नेट पर, मैंने देखा था कि 5:40 तक दिखेगा, 5:42 तक दिखेगा, लेकिन 5:35 पर ही पूरी तरह से गायब हो गया है। तो अब तो कोई फ़ायदा नहीं आ रुककर, और डार्क भी हो गया, इसलिए अब मैं घर की ओर बढ़ रहा हूँ। और आपने देखा, देखिए मैं इस तरफ ही देख रहा हूँ, कुछ भी नहीं है अब, और तो चश्मे की भी ज़रूरत नहीं, बस पहना हुआ हूँ कि अब पहना ही हूँ तो घर पे जाके उतार दूँगा। अदरवाइज आपको हमारा ये सूर्य ग्रहण कम फायर एक्सीडेंट वाला व्लॉग कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ग्रहण की बात करूँ तो ये मेरे लिए, आप लोगों के लिए व्लॉग बनाया तो ही शायद मैंने इतनी मेहनत करी, देखने की कोशिश करी, अदरवाइज़ मैंने आज तक कभी नहीं देखा था। और बड़े होने के बाद तो ग्रहण वगैरह के लिए टाइम ही नहीं था, छोटे थे तो मम्मी देखने नहीं देती थी, कितना भी हम लोग बोले कि मम्मी देखना है, मम्मी देखना है, हमने स्कूल में पढ़ा है ल्यूनर एक्लिप्स सोलर एक्लिप्स तो देखना है, पर मम्मी देखने नहीं देती थी कि हमारी आँखें ना ख़राब हो जाएँ। मैंने लाइफ में सिर्फ एक बार ग्रहण देखा था इससे पहले, जब मम्मी घर पर नहीं थी और दीदी ने दिखाया था हमको चश्मे से। फ्रेंड्स एक चीज़ जो मैंने आज नोटिस करी वो ये कि लोगों में इस चीज़ को लेकर के अब एक ऐसी इमेज बन गई है कि ये सब तो सुपरस्टिशन होता है। तो बड़े बड़े लोग मैंने देखा, जो अच्छे एजुकेटेड लोग भी ऐसे ही निकल रहे थे, उन्हें कोई परवाह नहीं थी, उन्होंने कोई सनग्लासेस नहीं पहने थे, दे वर वॉकिंग देयर डॉग। और जो लेबर क्लास के लोग थे, कुछ गरीब लोग लग रहे थे देखने में, उन लोगों को इस चीज़ की अवेयरनेस ही नहीं थी। लेकिन मेरा मानना है कि हमारे सनातन धर्म में कुछ भी अनसाइंटिफिक नहीं है, तो मैं बहुत ज़्यादा पढ़ा तो नहीं है, बट मुझे लगता है कि अगर कहते हैं कि इस दौरान पानी नहीं पीते हैं, खाना नहीं खाते हैं, या बाहर नहीं निकलते, सूरज को नहीं देखते, तो उसके पीछे कुछ ना कुछ साइंटिफिक रीज़न तो ज़रूर होगा। अगर आपको ऐसा कोई साइंटिफिक रीज़न पता है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए अब ऊपर चलते हैं और चाय वाय पीते हैं, ग्रहण का टाइम ख़त्म हो गया तो शायद साक्षी कुछ चाय के साथ खाने को भी दे देगी। फ्रेंड्स ग्रहण देख के आया हूँ इसलिए साक्षी बोल रही है कि नहाओ, शाम को 6:30 बज रहे हैं, ठंड लग रही है, मन नहीं है, बट मैडम ने बोला है तो जाना पड़ेगा, इसलिए अब मैं नहाने जा रहा हूँ।